आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व के अंदर हम देखते हैं कि बैक्टीरिया किस तरीके से ग्रो करता है, जब हम उसको कल्चर करते हैं किस तरीके से वो रिप्रोड्यूस करता है। तो इसके अंदर कुछ फेसेस आते हैं जिनको हम डील करेंगे। लैग फेस आता है, लॉग फेस आता है, स्टेशनरी फेस, डिक्लाइन फेस एंड सर्वाइवल फेस। इन फेसेस के अकॉर्डिंग हम डील करते हैं कि बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन और उसका ग्रोथ कैसे होती है। जो फर्स्ट फेज है वो है हमारा लैग फेज। लैग फेज के अंदर हम देखते हैं कि बैक्टीरिया जो मल्टीप्लिकेशन होने से पहले जो टाइम लेता है, ये वो टाइम होता है, वो एक टाइम होता है जिसके अंदर वो अपने आप को तैयार करता है, अपने साइज को ग्रो करता है और साथ ही साथ क्या करता है, मेटाबॉलिक रेट इसकी इंक्रीज़ हो जाती है उस समय। लैग फेज के अंदर हम देखते हैं कि जो ये टाइम होता है इसमें अपने आप को बैक्टीरिया तैयार कर सकता है। सेकेंड हम देखते हैं कि लॉग फेस। लॉग फेस क्या होता है? लॉग फेस होता है लैग फेस के बाद वाला जो फेस होता है, जिसमें बैक्टीरिया अपनी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है या फिर अपना जो भी मल्टीप्लिकेशन रेट होता है इसको सबसे ज़्यादा हाई कर देता है, काफ़ी अच्छे से रिप्रोड्यूस कर पाता है। इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 8 आवर्स का होता है। इसमें क्या होता है, सेल डिवीज़न देखा जाता है और इनका नंबर क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है बैक्टीरिया का लॉग फेस के अंदर। इसमें देखा जाता है कि बैक्टीरिया का इसमें बेस्ट मॉर्फोलॉजी देखी जाती है। इसमें जो मॉर्फोलॉजी होती है बैक्टीरिया की वो काफ़ी अच्छी होती है। इसको लॉग फेस के अलावा हम ग्रोथ फेस भी बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर ग्रोथ काफ़ी देखी जाती है बैक्टीरिया की। थर्ड हम देखते हैं स्टेशनरी फेस। जो स्टेशनरी फेस होता है ये लॉग फेस के बाद में या फिर जो ग्रोथ फेस था उसके बाद में जो देखा जाता है उसको स्टेशनरी फेस बोलते हैं। इसका जो ड्यूरेशन होता है या कुछ घंटे हो सकता है या फिर कुछ दिनों तक चल सकता है। इसमें जो रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता है एंड डेथ बिकम ऑलमोस्ट इक्वल, यानी कि जो रेट ऑफ डेथ है और जो इसका मल्टीप्लिकेशन और जो मल्टीप्लिकेशन की जो रेट थी वो दोनों इक्वली हो जाती है। इसमें या ना तो बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होता, ना ही बहुत ज़्यादा मरते हैं, यानी कि इक्वल हो जाता है। थर्ड हम देखते हैं इट अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एक्युमुलेशन ऑफ टॉक्सिक प्रोडक्ट्स, यानी कि इसमें जो जे एकदम बैलेंस हो जाता है ये क्यों होता है, क्योंकि ग्रोथ थोड़ा रुक जाती है और वो इसलिए रुक जाती है क्योंकि न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाती है, साथ ही साथ टॉक्सिक केमिकल्स का एक्युमुलेशन होने लगता है, टॉक्सिक प्रोडक्ट वहाँ पे इकट्ठे होने लगते हैं इसकी वजह से। स्पोरुलेशन में अकर इन दिस स्टेज, यानी कि जो स्पोरुलेशन प्रोसेस होती है जिसमें अपने आप को बैक्टीरिया प्रोटेक्ट कर लेता है, एक कवर बना लेता है, वो इसी स्टेज में होती है। देन हम बात करते हैं डिक्लाइन फेस की। जो डिक्लाइन फेस होता है इसके अंदर देखते हैं कि जो बैक्टीरिया है उनकी जो कि ग्रोथ थी और रिप्रोडक्शन था वो रुक चुका था, अब जो इनकी डेथ रेट है वो बढ़ जाती है, जो ग्रोथ रेट होती है उससे डेथ रेट बढ़ जाती है और इसका ड्यूरेशन देखा जाता है वो कुछ घंटे या कुछ दिनों तक देखा जाता है। इसका जो पॉपुलेशन डिक्रीज ड्यू टू डेथ ऑफ बैक्टीरिया, जो पॉपुलेशन थी बैक्टीरिया की वो डिक्रीज हो रही है क्योंकि बैक्टीरिया खत्म होते जा रहे हैं, किल होते जा रहे हैं, उनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहा और जो केमिकल एक्युमुलेशन हो रहा है उसकी वजह से। कौन से फैक्टर होते हैं इस स्टेज में जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि जो बैक्टीरिया है वो मर रहे हैं? तो देखा जाता है कि न्यूट्रिशनल फैक्टर्स जो होते हैं, अच्छा न्यूट्रिशन ना मिल पाना, उनका जो मीडियम है कल्चर मीडियम में न्यूट्रिशन की कमी की वजह से और एक्युमुलेशन ऑफ टॉक्सिक प्रोडक्ट्स की वजह से देखा जाता है कि उनका डिक्लाइन फेज शुरू हो जाता है। अब जो लास्ट में जो फेज़ होता है वो होता है सर्वाइवल फेज। सर्वाइवल फेज के अंदर हम देखते हैं कि अब जितने बैक्टीरिया खत्म हो चुके थे वो हो चुके हैं खत्म, अब जो बचे खुचे बैक्टीरिया हैं वो सर्वाइव करते हैं, चाहे वो कोई भी प्रोसेस स्पोरुलेशन के दौरान या फिर किसी भी प्रोसेस की वजह से वो सर्वाइव करते हैं। अभी हमने सारे के सारे जो फेसेस थे वो हम डील कर लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि जो ग्राफ है बैक्टीरिया का उसके बारे में डील करेंगे। तो बैक्टीरिया ग्राफ में देखा जाता है कि हम इस तरीके से ग्राफ बनाते हैं, उसके जो नीचे वाला पोर्शन होता है वहाँ पर टाइम देखते हैं और जो साइड वाला पोर्शन होता है नंबर ऑफ बैक्टीरिया देखते हैं कि कितने बैक्टीरिया ग्रो कर पा रहे हैं। जो पहला फेस होता है वो लैग फेस होता है। लैग फेस में देखते हैं कि जो उनका लॉग फेस से पहले का जो टाइम होता है, यानी मल्टीप्लिकेशन होने से पहले का जो समय था उसको लैग फेस बोलते हैं। ये जो फेस होता है ये एक तरीके से स्टेबल रहता है, इसमें वो तैयार होते हैं मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। सेकंड हम देखते हैं लॉग फेस। लॉग फेस में एक तरीके से ग्राफ काफ़ी ऊपर जाता है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन काफ़ी तेज़ी से होता है बैक्टीरिया का, इसको हम ग्रोथ फेस भी बोलते हैं। इसके बाद आता है स्टेशनरी फेस। स्टेशनरी फेस में देखते हैं कि जो ग्रोथ है बैक्टीरिया का वो रुक जाता है, साथ ही साथ क्या होता है इनकी जो डेथ रेट होती है वो भी इक्वल हो जाती है। जो ग्रोथ रेट था और डेथ रेट था वो इक्वल हो चुकी है, तो एक तरीके से ये काफ़ी स्टेबल हो जाता है और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता है। इसके बाद देखते हैं कि ग्राफ में डिक्लाइन फेस आता है। डिक्लाइन फेस में देखते हैं कि एकदम से जो ग्राफ है वो एकदम से नीचे जाता है, यानी कि बैक्टीरिया काफ़ी मात्रा में मर रहे हैं या फिर उनकी डेथ हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि न्यूट्रिशन की कमी आ रही है या फिर टॉक्सिक केमिकल का एक्युमुलेशन हो रहा है प्रोडक्ट्स का। डिक्लाइन फेस या डेथ फेस के बाद हम देखते हैं सर्वाइवल फेस आता है। सर्वाइवल फेस वो टाइम होता है जिसमें देखा जाता है कि अब जो कितने बैक्टीरिया बाकी हैं डेथ फेस के बाद जो कि सर्वाइव कर पा रहे हैं, तो ये सर्वाइवल फेस है और इसमें जो टाइम लगा वो हमने दिखाया।
अब हम डील करेंगे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया के ग्रोथ में हेल्प करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं उसको। तो फर्स्ट है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में देखा जाता है कि बहुत से बैक्टीरिया होते हैं जिनकी मीडियम में न्यूट्रिशन की कमी की वजह से उनकी जो ग्रोथ होती है वो अच्छे से नहीं हो पाती है। तो जो उनका कल्चर होता है उसमें कौन कौन सा न्यूट्रिशन होना चाहिए, सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सोर्स ऑफ कार्बन होना चाहिए या सोर्स ऑफ नाइट्रोजन होना चाहिए, एनर्जी होना चाहिए, स्मॉल अमाउंट ऑफ फॉस्फेट होना चाहिए और अ वैरायटी ऑफ मेटल एंड आयन, यानी कि ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये होना चाहिए उनकी जो भी कल्चर मीडिया होता है उसके अंदर, जिससे उनका ग्रोथ में हेल्प होती है। सेकेंड हम देखते हैं मॉइस्चर। देखा जाता है कि जो बैक्टीरिया हो या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको मॉइस्चर जो जगह होती है वहाँ पर काफ़ी अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। जैसे जैसे मॉइस्चर उनको मिलता रहता है, बिकॉज बैक्टीरिया की बॉडी में 80% वाटर पाया जाता है, जैसे जैसे मॉइस्चर उनको मिलता है वैसे वैसे वो ग्रो कर पाते हैं। थर्ड हम देखते हैं टेम्परेचर। जो टेम्परेचर होता है वो भी उनके ग्रोथ में काफ़ी हेल्प करता है। उनका जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ग्रोथ के लिए वो 30 डिग्री सेल्सियस माना जाता है, और हाई टेम्परेचर देखते हैं तो 40 to 50 डिग्री चला जाता है। वहीं जो लोअर टेम्परेचर होता है वो 15 to 20 डिग्री देखा जाता है। अगर इनका टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है, ज़्यादा कम हो जाता है, तो उससे डेथ रेट बढ़ जाती है बैक्टीरिया की। इसके बाद हम देखते हैं पीएच। जो पीएच लेवल होता है वो भी देखा जाता है। अगर पीएच लेवल एसिडिक है या एल्कलाइन है, न्यूट्रल है, इनके अकॉर्डिंग वेरी करता है कि कौन सा बैक्टीरिया है। कुछ बैक्टीरिया एसिडिक में ग्रो करते हैं, कुछ बैक्टीरिया एल्कलाइन में ग्रो करते हैं, वहीं कुछ बैक्टीरिया को न्यूट्रल मीडिया चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। देन हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं डिफरेंट तरीके के जिनको ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है, कुछ को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। जो एरोब्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिप्रोडक्शन करते हैं, वही एनारोब्स होते हैं उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। वहीं फैकल्टेटिव एनारोब्स भी होते हैं जो दोनों कंडीशन में क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। तो इसके थ्रू ऑक्सीजन के थ्रू भी वो क्या करते हैं, अपने रिप्रोडक्शन या फिर ग्रोथ को बना के मेंटेन करते हैं। सिक्स हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड भी एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू बैक्टीरिया कुछ बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। यह देखते हैं कुछ बैक्टीरिया को एयर में काफ़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, जिसमें एग्जाम्पल दिया है ब्रुसेला अबॉर्टस। ब्रुसेला अबॉर्टस जो बैक्टीरिया है इसको काफ़ी मात्रा में एयर में कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ पाया जाता है वहाँ पे ग्रो करता है। वहीं न्यूमोकोकाई एंड गोनोकोकाई ये ऐसे बैक्टीरिया है जिनको कुछ ट्रेसेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में ही अपने आप को ग्रो कर लेते हैं, यानी कि कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड में अपने आप को ग्रो कर पाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सेवन्थ में, यानी कि ऑस्मोटिक इफेक्ट। यानी कि जो ऑस्मोटिक इफेक्ट होता है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर जो जनरेट होता है वो भी क्या करता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ में हेल्प करता है। अगर ये प्रेशर ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से जो बैक्टीरिया है वो डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। देन हम लास्ट देखते हैं लाइट एंड अदर रेडिएशन। जो लाइट एंड अदर रेडिएशन होती हैं तो जो बैक्टीरिया होता है वो डार्क प्लेसेस में काफ़ी अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। वही अगर इनको लाइट में रखा जाए या फिर इनको यूवी रेस के थ्रू या आयनाइजिंग रेस के थ्रू या इंफ्रारेड रेस के थ्रू अगर इनमें रखा जाता है तो ये क्या करते हैं, इनकी डेथ हो जाती है और इनकी ग्रोथ रुक जाती है। तो आज हमने बात किया अब बैक्टीरिया ग्रोथ कर्व के बारे में, वही हमने बात की फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया के बारे में। सो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।